करने वाले हैं जो रिलीज तो 2013 में हुई, लेकिन VFX इतना बेस्ट है कि 2022 में रिलीज होने वाली हाई बजट की मूवीज भी उस लेवल को टच तक नहीं कर सकती। साथ ही साथ आपको बता दें कि मूवी के हर एक फ्रेम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, क्योंकि ऋतिक रोशन सर ने इस मूवी में 3 कैरेक्टर प्ले किए हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय सिनेमा चैनल। अगर आप भी ऋतिक रोशन सर के फैन हो या बिहाइंड द सीन देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने पर ही आपको पता चलेगा कि ऋतिक रोशन सर की इस तरह की मूवी का VFX ग्रेट है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि इस मूवी में क्रिस आसमान में कैसे उठता था। आपको बता दें कि ऐसे सीन के लिए ब्लू या ग्रीन बैकग्राउंड का यूज किया जाता था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऋतिक रोशन सर कैसे ब्लू बैकग्राउंड पर उड़ने वाले सीन को शूट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि क्रिस को उड़ाने के लिए बड़े बड़े हुक वाले रस्सों का यूज किया गया था। और एडिटिंग के टाइम रस्सों और ब्लू बैकग्राउंड को रिमूव करके एक ग्रीन बैकग्राउंड को रिप्लेस कर दिया जाता था। और क्रिस को हवा में इधर उधर घुमाने के लिए रस्सों की हेल्प से ही घुमाया जाता था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको मूवी में क्रिस का स्टैचू वाला सीन तो याद ही होगा। आपको बता दें कि इस वाले सीन के लिए रियल में एक स्टैचू तैयार कराया गया था। आप इस वाले सीन के लिए ऋतिक रोशन सर को शूटिंग करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह वाला VFX उस टाइम का है जब एक बड़ी सी बिल्डिंग का टुकड़ा नीचे जमीन की ओर दिखता है। आप ऋतिक रोशन सर को इस वाले सीन के लिए ग्रीन बैकग्राउंड पर शूट करते हुए देख सकते हैं, जिसे बाद में रिप्लेस करके 3D बैकग्राउंड वाली बिल्डिंग के साथ मर्ज कर दिया गया था। क्रिस को उड़ाने के लिए भी ग्रीन बैकग्राउंड पर ही सीन को शूट किया जाता था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाद में CG वाले बैकग्राउंड के साथ सीन को मर्ज कर दिया जाता था और क्रिस के जंप करने वाले सीन को भी ग्रीन बैकग्राउंड पर ही शूट किया जाता था। यह वाला बिहाइंड सीन उस टाइम का है जब कार और क्रिस लड़ते हुए एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। आप विवेक ऑब्रॉय और ऋतिक रोशन सर को इस वाले सीन की शूटिंग करते हुए सीन पर देख सकते हैं। मूवी को परफेक्ट बनाने के लिए प्री प्रोडक्शन का काम मूवी की शूटिंग से पहले ही किया जाता है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि मूवी की शूटिंग के लिए किस टाइप के सीन होने चाहिए। इसके लिए स्टोरी बोर्ड एनिमेशन तैयार कराया जाता है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टाइप के स्टोरी बोर्ड एनिमेशन की हेल्प से सीन को शूट किया जाता है, ताकि शूटिंग के टाइम किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। आप क्रिस और कार वाली फाइटिंग सीक्वेंस के स्टोरी बोर्ड एनिमेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह वाला बिहाइंड द सीन उस टाइम का है जब काया से लोगों को बचाने के लिए क्रिस आता है। आप ऋतिक रोशन सर को इस वाले सीन की शूटिंग करते हुए देख सकते हैं। आपको क्रिस मूवी का फर्स्ट पार्ट तो याद ही होगा, जिसे कोई मिल गया के नाम से रिलीज किया गया था। आपको बता दें कि क्रिस 3 मूवी में ऋतिक रोशन सर ने 3 कैरेक्टर प्ले किए थे, जिसमें एक कैरेक्टर क्रिस, दूसरा रोहित मेहरा और तीसरा कृष्णा का था। आपको बता दें कि रोहित मेहरा वाला कैरेक्टर बहुत ही इनोसेंट कैरेक्टर था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रोहित वाले कैरेक्टर के लिए ऋतिक रोशन सर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, जिसमें मेकअप में ही 4 से 5 घंटे लगते थे, क्योंकि रोहित वाले कैरेक्टर के मेकअप के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप का यूज किया जाता था और बालों को छोटा दिखाने के लिए विग का यूज किया जाता था। यह वाला बिहाइंड सीन उस टाइम का है जब कृष्णा वाले कैरेक्टर की वाइफ बेहोश हो जाती है। आप प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन सर को रोहित वाला कैरेक्टर प्ले करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह वाला बिहाइंड सीन उस टाइम का है जब रोहित मेहरा, कृष्णा और प्रिया कार से कहीं जा रहे होते हैं। आपको बता दें कि ड्यूअल रोल वाले सीन के लिए एक सीन को 2 बार शूट किया जाता था, क्योंकि कृष्णा और रोहित मेहरा वाला कैरेक्टर ऋतिक रोशन सर ने ही प्ले किया है। आप इस वाले सीन को बिहाइंड द सीन यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगर आपने कांतारा मूवी के बिहाइंड द सीन नहीं देखे तो जाकर देख लेना, लिंक कमेंट में है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कृष्णा वाले सीन की। काल, रोहित और कुछ म्यूटेंट के बाद कृष्णा वाले कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इस वाले कैरेक्टर के लिए ऋतिक रोशन सर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। आप इस वाले बिहाइंड द सीन में कृष्णा को एक लड़की को बचाते हुए सीन को देख सकते हैं। इसके लिए बड़े बड़े रस्सों की हेल्प से ऋतिक रोशन सर को लटका के इस सीन को शूट किया गया था। इस वाले बिहाइंड द सीन में आप क्रिस को एक बच्चे को बचाने वाले सीन की शूटिंग करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप क्रिस को एक बड़ी कार को अपने हाथ से उठाते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वाले सीन के लिए कार को क्रेन की हेल्प से लटकाया जाता है और एडिटिंग के टाइम रस्सों को रिमूव करके सीन को परफेक्ट बनाया जाता है। साथ ही साथ आप ऋतिक रोशन को क्रिस वाले कैरेक्टर के कुछ और सीन की शूटिंग करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि क्रिस के फाइटिंग सीक्वेंस के लिए
लिए ऋतिक रोशन सर को 2 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। इस मूवी के लिए किसी भी डबल बॉडी का यूज नहीं दिया गया था, बल्कि मूवी के सारे फाइटिंग स्टंट को ऋतिक रोशन सर ने खुद परफॉर्म किया है। आप ऋतिक रोशन सर को फाइटिंग सीक्वेंस की प्रैक्टिस करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी में क्रिस वाले जैकेट को पहनने के लिए घंटे लग जाते थे, आप ऋतिक रोशन सर को क्रिस वाले जैकेट को पहनते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऋतिक रोशन सर के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी तब आती थी जब एक दिन में रोहित मेहरा वाले कैरेक्टर और क्रिस वाले कैरेक्टर की शूटिंग होती थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि क्रिस वाले सीक्वेंस के लिए एक दिन में कम से कम 7 घंटे शूटिंग होती थी, इसके जस्ट बाद रोहित वाले कैरेक्टर की शूटिंग होती थी और रोहित वाले कैरेक्टर के मेकअप में कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते थे। इसके बाद रोहित वाले कैरेक्टर को कैच करना बहुत ही मुश्किल होता था और फिर कृष्णा वाले कैरेक्टर की शूटिंग आप ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा को शूटिंग करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको यह वाला बिहाइंड सीन तो याद ही होगा जब क्रिस और काया हवा में उठते हैं, आप इस वाले सीन के बीटीएस स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत सारे सीन्स में आपने काल और रोहित मेहरा को एक साथ देखा होगा, आप विवेक ओबेरॉय को ऋतिक रोशन के साथ शूटिंग करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने रॉबर्ट मोदी के बिहाइंड द सीन्स नहीं देखा तो जाकर देख लेना, लिंक कमेंट में है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं क्रिस वाले एक फाइटिंग सीक्वेंस की। यह वाला बिहाइंड द सीन क्रिस के घर का है जब क्रिस अपनी फैमिली को काया और म्यूटेंट से बचाने के लिए आता है। आपको बता दें कि यह वाला बिहाइंड द सीन उस टाइम का है जब क्रिस से एक म्यूटेंट की फाइट होती है और वह पेड़ों की हेल्प से क्रिस से फाइट करता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पेड़ों की जगह तो बड़े बड़े ब्लू कार्डबोर्ड का यूज लिया गया था जिन्हें बाद में 3D पेड़ों में कन्वर्ट कर दिया गया था। इस वाले बिहाइंड द सीन में आप क्रिस को एक म्यूटेंट की जीप पकड़ के घुमाने वाले सीन को देख सकते हैं। आपको इस मूवी का मोस्ट डेंजरस विलन तो याद ही होगा। आपको बता दें कि विवेक ओबेरॉय की लैब को ग्रीन बैकग्राउंड की हेल्प से ही क्रिएट किया गया था। आप कार को लैब वाले सीन से शुरू करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वाले बिहाइंड द सीन में आप कार और क्रिस को फाइट करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि कार के कॉस्ट्यूम को रियल में ही डिजाइन किया गया था, इसमें किसी भी टाइप के VFX का यूज नहीं लिया गया था, लेकिन फाइटिंग सीक्वेंस के कुछ और सीन्स में VFX का यूज लिया गया था। आप कार और क्रिस के बिहाइंड द सीन की मस्ती स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को सीन को समझा रहे हैं और साथ ही साथ फाइटिंग वाले सीक्वेंस की प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वाले बिहाइंड द सीन में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों को जमीन पर गिराने के लिए क्रेन का यूज लिया गया था। साथ ही साथ आप इस वाले सीन के लिए ग्रीन सेटअप को स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह वाला बिहाइंड द सीन उस टाइम का है जब प्रिया और कृष्णा स्टैचू को देखने के लिए आते हैं। साथ ही साथ आप प्रिया और कृष्णा के कुछ क्यूट मोमेंट्स की वीडियोस भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काया वाले कुछ सीन्स के बिहाइंड द सीन्स की आपको बता दें कि काया का कैरेक्टर कंगना रनौत ने प्ले किया है। आप कंगना रनौत को फाइटिंग वाले सीक्वेंस के लिए प्रैक्टिस करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मूवी के डायरेक्टर राकेश रोशन सर को भी देख सकते हैं जो हर सीन को खुद करके समझाते हैं। ने भी सारे स्टंट को खुद परफॉर्म किया है। आप कंगना को क्लाइमैक्स से पहले वाले सीक्वेंस की शूटिंग करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें आप कंगना और प्रियंका चोपड़ा को देख सकते हैं। अगर आपने डीजे मूवी के बिहाइंड द सीन्स नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, लिंक कमेंट में है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं क्रिस मूवी के VFX की। यह वाला बिहाइंड द सीन मूवी की स्टार्टिंग का है जब क्रिस एक एरोप्लेन को सही तरीके से लैंड करवाने के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग पे जंप करता है। आपको बता दें कि इस वाले सीन के लिए बहुत सारे 3D मॉडल्स का यूज लिया गया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिल्डिंग को CGI की हेल्प से ही क्रिएट किया गया था और बिल्डिंग पर जंप करने वाले सीन को मैटे पेंटिंग की हेल्प से क्रिएट किया गया था जिसमें ऋतिक रोशन के जंप करने वाले सीन को ग्रीन बैकग्राउंड पर शूट किया गया था और बाद में मैटे पेंटिंग वाले बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दिया गया था। आप एरोप्लेन से लटकने वाले सीन को बिहाइंड द सीन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह वाला बिहाइंड द सीन मूवी के क्लाइमेक्स से पहले का है जब काया और क्रिस की फाइट होती है। आपको बता दें कि पानी वाले सीन के लिए 3D बॉटल्स और 3D पानी का यूज लिया गया था और क्रिस वाले सीन को अलग से ग्रीन बैकग्राउंड पर शूट किया गया था। इसे रस्सों की हेल्प से क्रिस को उड़ाया गया था। बाद में ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करके सीन को कम्प्लीट किया गया था। आप फाइनल फुटेज स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इस वाले फ्रेंड सीन में आप क्रिस की एंट्री को देख सकते हैं, जिसमें वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर बनी क्रेन के पास खड़े होता है। आप इस फिल्म पर देख सकते हैं कि इस वाले सीन के लिए भी बिल्डिंग को सीजीआई की हेल्प से ही क्रिएट किया गया था। आप इस वाले सीन के पीडीएफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको यह जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि विवेक ओबरॉय के मेटल वाले सूट को बॉडी पर फिक्स करने के लिए 2 से 3 घंटे तक लग जाते थे और कम से कम 8 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि मेटल सूट 28 किलो वजन का था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मूवी को 95 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 400 करोड़ के करीब की ताबड़तोड़ कमाई की थी। इस ब्लॉकबस्टर मूवी के पीछे मूवी के डायरेक्टर राकेश रोशन और उनकी टीम का डेडिकेशन साफ दिखाई देता है। साथ ही साथ ऋतिक रोशन के तीनों करेक्टर की परफॉर्मेंस मूवी मास्टरपीस मूवी बना देती है। अगर आपको ऐसे ही